अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद आप जरा उम्मीद आप अस्सलामुअलैकुम जी की आ रहा है आप सबका। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, घर वापस हो गए। तो अभी टाइम हो गया रात के खाने का। तो क्या टाइम है वैसे? देखिए 7:21 हुए हैं और अभी हम इधर खाना खाने के लिए, लेकिन डिनर ही समझ गए, खाना खाने के लिए आए हैं। जी सी आपको ये जो पान है ये फ्री में दिए जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अभी हरी मिर्चें भी आ रही हैं, ये भी फ्री में ही होती हैं। सोडा वाटर मैं तो लूंगा। कोला फांटा फांटा आयरन 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 यहाँ लस्सी को करते हैं। Pasta. Makarna. Tamam. Şey. Aynen 5 tane bu. Okay. İskana name? Bu şey ne Türk neresi? Romanya Bulgaristan. Pakistan. Pakistan. Pakistan ha. Pakistan. Romanya Bulgaristan. और साथ में हरी मिर्चें। मीठी है हरी मिर्चें तो, लेकिन ये कि टेस्ट आ रहा था। और ये मिक्स वेजिटेबल है, गाजरें भी हैं, तोड़ियाँ भी हैं, मटर भी हैं, आलू भी हैं। ये भी मज़े का भैया, बैंगन भी है, पास्ता भी आ रहा है। इसमें चिकन है, आलू के क्यूब्स हैं, टमाटर है और ये लस्सी है। चलिए अब खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जब टोटल बिल बनेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना। अच्छा, मेरे बच्चों की लड़ाइयों को ज़रा इग्नोर करिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि जो वहाँ हमने खाना खाया था उसके जो टोटल बने थे पैसे वो 700 बने थे। तो अभी हम थोड़ा सा आगे आए हैं और यहाँ बाबे बैठ के तो चाय शाय पी रहे हैं, तो हमने कहा चलो हम भी बाबों के साथ बैठ के तो हम भी चाय शाय घूट मार लें। तो चाय हम यहाँ लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तो खाना हमने वहाँ से खा लिया था और बस ऐसे ही हम कभी इधर कभी उधर ड्राइव करते रहे हैं और अब फिर से भूख लग गई है। तो अब देख रहे हैं कि क्या खाना खाएं क्या नहीं। ओह पिस्का, आइस, यहाँ आइसक्रीम है, केक, घर के लिए बस ले लेते दो अखबार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हमारा तुर्की में तीसरा दिन है, एक हमने बारबेक्यू किया था कल हमने उधर, तो आज तीसरा दिन है। और ब्रेकफास्ट करने के लिए हम जा रहे हैं सिटी की तरफ, शहर की तरफ। तो कल का जो व्लॉग है और हमने जहाँ नाश्ता किया था वहाँ तुर्किश हमारी बहनें वो हमारे लिए नाश्ता बना रही थी, तो वहाँ व्लॉग जरूर देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो आज हम दोबारा से उधर जा रहे हैं। अच्छा जी, तो आज फिर हम उधर पहुँच चुके हैं नाश्ता करने के लिए। ये जो लिखा हुआ ना हिसार, इधर बंद है। ओए अनफॉर्चुनेटली वो जो है रेस्टोरेंट वो बंद है, तो अब हम दूसरे रेस्टोरेंट जा रहे हैं। वो भी आप ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, कल हमने डिनर उधर से ही किया था। खाना मेरे अच्छा लग रहा है।
Merhaba. Doktor merhaba. Patates. Patates. Bir. Kaşar peyniri. Bir. 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 Çorba. Çıkın. Çimek. Annem Pakistanlı mı? Yok yok. कि आपको बताया कि ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री जहाँ भी आप जाएंगे इन्होंने रोटी आपको फ्री देनी है, ये जो हरी मिर्च और लीमू है ये भी फ्री है, पानी फ्री है, मतलब रोटी आपको इन्होंने फ्री देनी ही देनी है। और ये शोरबा है, ये मुझे हॉट स्पॉट करते हैं, हॉट स्पॉट ही कहते हैं ना जो भी है। यखनी है, सुबह का नाश्ता हो रहा है, तो सीधी वो भी खाएगा। चलो देखते हैं। हाँ उसमें तो मैंने तो कल भी कहा था कि कोई चीज़ जो है ना वो खरीद लेते हैं, जैसे ब्रेड होगी उसके ऊपर चॉकलेट डाल के और चाय नीचे वाला हमें बना के देता होता है। हाँ फिर अच्छा एनीवे अभी हमने जो खाना खाया उसका टोटल जो बिल बना है वो 950 बना है, जो कि मुझे लग रहा है कि इन्होंने हमें लूटा है, क्योंकि कल हमने इससे भी ज़्यादा खाना खाया था और कितना पता था 700 समथिंग था, और आज हमारा हमने क्या खाया है काफना गंडा और बना है तकरीबन 950। सो हमने डिसाइड ये किया कि हम कल इधर नहीं आएंगे। ओके अल्लाह हाफिज़। हमारा मूड ख़राब हो चुका है। हाँ जी, तो नाश्ता हमने उधर से कर लिया है, जो कि काफ़ी हमें फजूल पैसे जो ना उन्होंने लगा दिए, पे करने पड़ गए। अब हम रात का खाने के लिए कुछ खरीदने लगे हैं जो कि हम ना घर में ही बनाएंगे। अच्छा जी, ये बारबेक्यू के लिए हमने चीज़ें ले ली हैं, लेकिन अभी भी इनका दिल जो है ना वो रज्जा नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं चिकन के अलावा गोश्त भी चाहिए, तो गोश्त भी लेंगे। गोश्त लेने के बाद हम यहाँ आएँगे, यहाँ आके तो हम ये जो रोटियाँ हैं ये आके हम खरीदेंगे और उसके बाद फिर घर की तरफ चलेंगे। यहाँ से गोश्त वगैरह लेने के लिए आया, चिकन हमने ले लिया है और अब बारबेक्यू के लिए हम ये मीट लेने आए हैं। अभी हमने ये वाला जो है ना पहले नज़र भी आ रहा है, हाँ अब लगा है। यह डंकी मिल्क सोप, यहाँ के इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि शैम्पू हो गया, हाथ धोने वाला सोप हो गया, तो हाँ डंकी मिल्क सोप है, मिल्क से बना हुआ है, तो मैं कहा चलो मैं भी ये डंकी के मिल्क सोप ट्राई करके देखूँगा क्या फायदा है, यहाँ की औरतें क्यों इतना इसे लगाती हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी। और उसके बाद एक ये मैंने लिया फेस मास्क था और 5 लीरा का लगा हुआ था, फिर इसको भी ट्राई करते हैं क्योंकि इतने सफ़र करने के इतने दिन हो गए, फेस जो है खशर नशर हुआ हुआ है। एयरबड्स लिया, बाकी सामान लिया तो वो रेगुलर चीज़ें हैं।